और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज की बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में कम से कम 5 सीटें मांग रही है, तो कश्मीर की 6 सीटों पर भी बंटवारे पर अब तक कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा, और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर, देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। ये खुशियों की घंटी पर वहां मौजूद वकील टूट पड़े, किसी ने थप्पड़ बरसाए तो किसी ने घूंसे से हमला कर दिया। कोर्ट के गेट पर पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने पेपर लीक के आरोपियों की पिटाई कर दी। इस दौरान नाराज वकीलों ने नारेबाजी भी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले सभी आरोपियों को अपने साथ कोर्ट के अंदर ले गए। पेशी के लिए पहुंचे पेपर लीक के कुछ आरोपियों ने मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पेपर लीक केस की जांच कर रही टीम ने 2 दिन पहले इन 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया था। इन पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाने और अपनी जगह डमी कैंडिडेट यानी दूसरे छात्र से परीक्षा दिलवाने के आरोप लगे। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके मुताबिक किसी ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करने के साथ ही ऑडियो क्लिप के जरिए धमकाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। चुनाव आयोग ने उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में संभल कर बोलने की सलाह दी। इस मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया जिसमें पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर फैसला सुनाया गया था। उधर मुंबई के नगर निगम बीएमसी के खिलाफ 15,000 स्वच्छता स्वयं सेवकों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्वच्छता स्वयं सेवक भी शामिल हुए। स्वच्छता स्वयं सेवक वो लोग होते हैं जिन्हें बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट पर शहर की साफ सफाई के लिए रखती है।